सो हेलो गाइस, कैसे सब लोग। भाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि WCC3 का न्यू अपडेट आ चुका है और आज हम लोग देखने वाले हैं कि इस अपडेट के अंदर क्या हमें मिलने वाला है। सो गाइस, चलिए बिना किसी देर के वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, इस अपडेट के अंदर हम लोगों को कोच फीचर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को 3 कोच देखने को मिलने वाला है गाइस, जिसकी कि हम डिटेल में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर जूनियर कोच देखने को मिलने वाला है, जो यहाँ पर हम इसको 399 प्लेटिनम के साथ खरीद सकते हैं। और यहाँ पर ये जूनियर कोच हमारे प्लेयर्स को 25% तक अपग्रेड दे सकता है। और ये गाइस, एक बात सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर ये 1 महीने के लिए मिलने वाला है हम लोग को। और गाइस, सेकेंड जो हमारा कोच निकल के आता है वो सीनियर कोच निकल के आता है, जो कि हम लोग प्लेटिनम में नहीं खरीद सकते। इसके लिए 149 रुपीज़ हम लोग को पे करने पड़ेंगे। तो ये हमारा 50% तक हमारे प्लेयर्स को अपग्रेड दे सकता है और ये भी यहाँ पर हम लोगों को मंथली दे। और गाइस, सबसे मेन और सबसे फाइनल जो है हमारा हेड कोच है, तो यहाँ पर इसके पैसे भी ज़्यादा है। ये हम लोगों को 249 में देखने को मिलने वाला है और ये 75% तक हमारे प्लेयर्स को अपग्रेड कर सकता है। तो इतना कोई खास लगा नहीं है भाई मेरे को। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो आप लोग यहाँ पर इसको परचेस कर सकते हैं फिलहाल में यहाँ पर। और गाइस, इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है 5 प्लेयर्स मल्टीप्लेयर। जी हाँ गाइस, हम लोग 5 प्लेयर एक साथ मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ बैटिंग मल्टीप्लेयर है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ बैटिंग कर सकते हैं। तो 5 प्लेयर यहाँ पर बैटिंग करने वाले हैं और जो सबसे ज़्यादा रन बनाएगा वो विन होगा। और यहाँ पर हम उसको RTG पॉइंट मिलने वाला है। जी हाँ, उसको RTG पॉइंट मिलने वाला है, जिसके अंदर हमारी रैंक चलती है। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग ये मल्टीप्लेयर का एक मैच खेल के देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमको 3 जर्सी मिलती है IPL 2020-2021 की। और तो यहाँ पर पहली बॉल हम लोगों ने डॉट खेली थी और दूसरी गेंद हम लोगों ने यहाँ पर खेली है और ये 4 रन हम लोगों को मिल जाएंगे। और गाइस, यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है कि हम लोगों को यहाँ पर ग्राउंड की जो स्टेडियम की जो लाइटनिंग है, वो लाइटनिंग में काफ़ी मेरे को इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है यहाँ पर। ये एक चीज़ मुझे गेम में पसंद आई है कि ग्राफिक का इम्प्रूवमेंट यहाँ पर बढ़ा दिया गया है और अब हर बॉल पर 6 लगाना भी इसमें इतने आसानी से 6 नहीं लग रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पर बुके इफेक्ट, जी हाँ गाइस, बुके इफेक्ट बहुत ही अच्छा कर दिया गया है गेम का। तो ये काफ़ी सही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर कुछ फीचर जो अच्छे ऐड कर सकते थे वो ऐड नहीं किए गए हैं, तो ये एक माइनस पॉइंट। तो गाइस, फिलहाल अभी इस अपडेट में हम लोगों को यही चीज़ें देखने को मिली है। जिस टाइप की इसकी हाइप बना रखी थी, ऐसा कुछ इसमें ज़्यादा देखने को मिला नहीं है। ग्राफिक में थोड़ा बहुत हम लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन लाइटनिंग काफ़ी बढ़िया कर दी गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। RC से इंस्पायर होकर भी इन लोगों ने किया हो सकता है, मतलब मे भी हुआ नहीं हो। और अभी गेम देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई। तो यही एक अच्छी चीज़ है इस अपडेट की, बाकी ओवरऑल ठीक ठाक अपडेट लगा है मेरे को। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक गेम प्ले के साथ, और देखते हैं RC22 की कुछ न्यूज़ मिलती है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊँगा। तो गाइस, फिलहाल अभी तक इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।